हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है, वे सभी कैंडिडेट जो बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, तो टोटल 5000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेकआउट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, फी प्रोसेस कितनी रहेगी और एज लिमिटेशन क्या रहेगी, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको देंगे वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको लेकर चलते हैं वेबसाइट gayatrijobs.com पर। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में प्रोवाइड की गई है फ्रेंड्स। तो कैंडिडेट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1961 एंड इन अकॉर्डिंग विद द बैंक अप्रेंटिसशिप पॉलिसी, द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। तो कैंडिडेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 5000 पोस्ट के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए लास्ट डेट से पहले। तो कैंडिडेट्स, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स प्रोवाइड की गई हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक, और एग्जामिनेशन फी पे करने की लास्ट डेट भी 3 अप्रैल 2023 रहेगी। सो कैंडिडेट्स, काफ़ी कम टाइम है आपके पास में फॉर्म फिल करने के लिए। तो फी आप पे कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ फीस रहेगी, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ फीस रहेगी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ फीस रहेगी। तो कैंडिडेट्स, अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वे सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके पास में ग्रेजुएट डिग्री अवेलेबल है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और अभी बात करते हैं एज लिमिटेशन की। तो कैंडिडेट्स, 31 मार्च 2023 में आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड कराया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो कैंडिडेट्स, यहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसिस वैकेंसीज डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई हैं स्टेट वाइज। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। तो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू भी होगा। तो कैंडिडेट्स, वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पोर्टेंट लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको 31 पेजेस की पीडीएफ प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको डिटेल्स में सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सभी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो कैंडिडेट्स, फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कीजिएगा, देन आपको वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ में। चैनल पर आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। थैंक यू।